नमस्कार, मैं हूं जूली रानी और न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे संवाददाताओं ने कौन सी खबरों को अधिक प्रमुखता दी है। समाज से दहेज प्रथा जैसी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से धनवाद के गोल्फ ग्राउंड में 30 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। वहीं सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा, आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। आज सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की लगातार आठवीं वर्ष आज गोल्फ ग्राउंड धनबाद में आज शादी की जा रही है। ये शादी 16 जनवरी को ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको स्थगित कर आज जो है यहाँ से 6 तारीख को यहाँ से लगभग 30 जोड़ों का हम लोगों ने आज यहाँ पर लक्ष्य रखा और आज सभी जोड़े भी आ रहे हैं और ये शादी ऐतिहासिक शादी है। यहाँ सर्वधर्म से जुड़े बच्चे एवं बच्चियों की शादी कराई जाती है। यहाँ पर पूरे धनबाद के वासियों का इकट्ठा होना, सभी धर्मों को लोगों का इकट्ठा होना, एक धनबाद से पूरे झारखंड को मैसेज जाता, पूरे भारत को मैसेज ये जाता है। हम लोगों ने पिछले इसको ये शादी को तिलक दहेज रहित शादी इसको हम लोगों ने किया है कि जो लोग बिना तिलक दहेज के ही आएंगे उन्हीं की शादी यहाँ पर की जाएगी और ऐसे ही हम लोग जो है इसको करते आ रहे हैं। सभी बच्चों के लिए आवश्यकता के हिसाब से उनकी जो घर बसाने की जो भी सामग्री है वो हम लोग जो है यहाँ से देते हैं उनको। आज अभी यहाँ से बारात निकली है, वो इधर से हटिया मोड़ होते हुए रणधीर वर्मा चौक होते हुए कला भवन के रास्ते से वापस आ रही है अभी यहाँ, और यहाँ पर जयमाला कराया जाएगा। जयमाला से पहले सभी बच्चों का थाल जो है आरती से सजाया गया है, उन बच्चों की आरती जो है उतारी जाएगी और ये शादी जो है एक अद्भुत जो है देखने के लायक है और इसमें हमारे पूरे धनबाद के वासी इकट्ठा होते हैं और हम सब एक हैं का हम लोगों ने यहाँ इस मंच से हम लोग जो है नारा देते हैं कि हमारी जो है पूरी संस्कृति, हमारी एकता जो है सब एक रहे और हम मंगल कामना करते हैं और ये जो है पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों एवं बच्चों की शादी बिना तिलक दहेज के लें और अच्छे से अपने जो बच्चों की शादियां करें। आज की जो कार्यक्रम है वो मुख्य अतिथि भी है। मुख्य अतिथि हमारे लिए आज के दुल्हा और दुल्हन ही होते हैं, लेकिन हमने पूरे धनबाद के जितने भी लोग हैं सभी को इनवाइट किया है, हमारे जो है सांसद महोदय से, हमारे विधायक महोदय, हमारे शासन, हमारे प्रशासन सभी को हमने यहाँ नहीं, मुख्यमंत्री अभी नहीं आ रहे हैं, अभी सत्र चल रहा था उसके वजह से उनके आने की उम्मीद। दूसरी बड़ी बात की भी आती है, कौन कौन से धर्म के जो है कितने लोग आज के जोड़ा, सिर्फ हिंदू जोड़ा के ही लोग आए हैं क्योंकि ये कुछ जो है डेट को कैंसिल होने से कुछ शादियाँ लोग कर लिए हैं पहले, लेकिन फिर भी आज जो है हमारे ओर से जो है लगभग आज जो है केवल हिंदू जोड़ा ही है।